हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताऊंगा जिसके थ्रू आप कोई भी टेबल, मैथमेटिक्स का कोई भी टेबल को बिल्कुल आसानी से प्रिंट करवा सकते हो। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा और एक छोटा सा प्रोग्राम होएगा जिसके थ्रू आप कोई भी टेबल को प्रिंट करवा देना, जितने से बड़ा टेबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते स्टार्ट अपनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज, हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम टेबल को प्रिंट करवाएंगे, कि जो मर्जी टेबल हो, ठीक है, हम टेबल प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक क्लास और इसको मैंने नेम दे दिया टेबल। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा एक मेन मेथड, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन काम करना है। हमने टेबल को प्रिंट कैसे कराना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंट टी और इसको वैल्यू दे देंगे 2। ठीक है, बस इतना काम करना है। इंट, अगर आपने जोन सा भी टेबल बनाना है ना, उसका वैल्यू यहाँ पे दे देना। अब मैंने यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, आप चाहे तो यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करवा दो, 10 का टेबल करवा दो, जो मर्जी टेबल करवा दो, चाहे 15 का करवा दो, 20 का करवा दो, 50 का करवा दो, 100 का टेबल प्रिंट करवा दो, 200 का कर दो, 1000 का कर दो, जो मर्जी वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है, जो मर्जी जिसकी भी वैल्यू, 54 का टेबल आपने बनाना है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो डैट की आपको समझ भी आ जाए कि टेबल सही भी है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फोर लूप लगाऊंगा। तो मैंने इंट ले लिया आई, आई के थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आई की वैल्यू मैंने दे दी 1। ठीक है, क्यों 1 क्यों दी, मैंने बाद में इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा आई और टी को, तो टी और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 क्या होएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक चलेगा ये। ठीक है, तो 10 × 2 = 20, तो लास्ट में 20 आ जाएगा, 10 के ऊपर ये वैल्यू जाएगी नहीं और हमारा टेबल भी प्रिंट हो जाएगा। 2 से 1 स्टार्ट होगा, 2 × 1 = 2, उसके बाद चलता जाएगा कब तक, 10 तक, तो 10 × 2 = 20, 20 में हमारा टेबल कंप्लीट। ठीक है, बस इसको आगे चलाने के लिए क्या करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, ये होते हैं आइट्रेशन। ठीक है, बस अब वो जो अभी आपको मैंने प्रिंट बताया था कि कैसे प्रिंट करवाना, तो सिस्टम यहाँ पे आएगा मेन चीज, तो system.out.println यहाँ पे आएगी मेन चीज। तो हमने क्या करना है, आई इंटू टी, ठीक है, बस इतना काम करना है हमने, ये कर दिया मैंने बंद। देखो यहाँ पे मैंने t की वैल्यू 2 ली है, i की वैल्यू 1 ली है, और ये i की वैल्यू 1 कब तक चलेगी, 10 तक चलेगी, तो t इंटू आई कर दिया, तो पहले i की वैल्यू 1 आएगी, तो t इंटू 1 2, फिर 2 की वैल्यू 2 को, फिर i के तब 10 तक चलेगा, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 × 2 = 4, फिर 3 आएगा, 2 × 3 = 6, तो ऐसे चलता जाएगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। अब आपको मैं रन करके दिखाता हूँ इसको, तो टेबल डॉट जावा इस नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अभी प्रोग्राम हमने बना दिया, अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो सीएमडी मैं खोलूंगा, सॉरी सीएमडी, यहाँ पे आपको मैं इसको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। मैं जाऊंगा अपने डेस्कटॉप पे, जावा सी टेबल डॉट जावा। तो देखो अब हमारा प्रोग्राम प्रिंट होएगा, इट एंड फॉर वर्सिंग, सॉरी यहाँ पे मैंने एक और ब्रेसेस लगाना भूल गया, मैं ये लगा रही। ठीक है, क्योंकि ये मेन मेथड बंद होएगा ना, कि उसके बाद फिर क्लास बंद होएगी। ठीक है, तो अब दोबारा से रन करते हैं। जावा सी टेबल डॉट जावा, तो देखो अब रन करते हैं हम अपना प्रोग्राम जावा टेबल, तो देखो प्रिंट हो गया अपना 2 का टेबल, 2 × 2 = 2 × 1 = 2 × 2 = 4 × 2 = 3 = 6 × 4 = 8 × 5 = 10, तो देखो 20 तक प्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम प्रिंट करा सकते हो, जैसे अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, सपोज मैंने यहाँ पे 72 का टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, 72 का टेबल काफ़ी टफ होता है, हमको पता नहीं लगता कैसे प्रिंट होएगा, तो देखो ये भी हम प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पे वही पहले हम उसमें जाएंगे, ये देखो हो गया प्रिंट 72,
72 × 2 = 144, 72 × 3 = 216, तो ये देखो 72720, मतलब कि 10 तक हमने टेबल को प्रिंट करवा दिया। तो अपना चाहे जो सा मर्जी टेबल आपने प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पे आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो मैंने आपको बताना था कि कैसे हमने टेबल को प्रिंट करवाते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी अपडेट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।